पर्यावरण योद्धा मनोज मिश्र नहीं रहे। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को फिर से जीवन दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले पर्यावरण योद्धा मनोज मिश्र का निधन हो गया है। वे 70 वर्ष के थे। कोविड संक्रमण के बाद होने वाली जटिलताओं के चलते वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रविवार दिन में भोपाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय वन सेवा के अधिकारी मनोज मिश्र ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग 22 वर्षों तक काम किया। प्रमुख वन संरक्षण के पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति ले ली। वर्ष 2011 में उन्होंने दिल्ली में यमुना के डूबे क्षेत्र और जलाशयों की बुरी हालत देखी। इसके बाद यमुना के संरक्षण के लिए यमुना जी अभियान का संयोजन किया। इस अभियान के जरिए यमुना को प्रदूषित करने वाले तमाम कारकों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। लंबी अदालती लड़ाइयों के बाद यमुना को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। हालांकि उन्हें लागू करने की लड़ाई भी वे लड़ते रहे। एलजी ने शोक जताया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनोज मिश्र के निधन पर गहरा दुख जताया है। उपराज्यपाल ने अपना ट्वीट संदेश में लिखा है कि मनोज मिश्र के असमय के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। मैं संतप्त हूं। यमुना के बेटे के रूप में वह उनके पुनरुद्धार के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वह पर्यावरण के एक योद्धा थे।